हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अ व्हीलअप टेक्नोलॉजी। तो आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं काफ़ी अमेजिंग फ़ोन्स के बारे में, जिसके बारे में आपने हमसे कमेंट करके पूछा था कि इन दोनों का रिव्यू करिए। तो आज हम रियलमी C11 और वीवो का A11K के बारे में दोनों को कंप्लीट रिव्यू प्लस कंपेरिजन करेंगे। दोनों फ़ोन्स में से कौन सा फ़ोन है बेस्ट, आपको कौन सा फ़ोन लेना चाहिए और कौन से फ़ोन को स्किप कर देना चाहिए। तो अगर आप चैनल को पहली बार विजिट कर रहे हैं, चैनल कीजिए सब्सक्राइब, वीडियो कीजिए लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए और ऐसे लेटेस्ट वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और चलिए आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे हम रियलमी C11 के बारे में, इसके बेसिक फीचर, लुक, डिज़ाइन और बाकी सारी चीज़ें देखेंगे और कंपेरिजन करेंगे प्राइस वाइज और फीचर्स वाइज और बाकी सारी चीज़ों के साथ दोनों का फुल कंपेरिजन करेंगे आज की इस वीडियो में। तो आप लोग कमेंट करके बता दीजिएगा नेक्स्ट हम वीडियो किस टॉपिक पर बनाएं, कौन सी चीज़ के लिए बनाएं, मतलब किस टॉपिक पर नहीं, कौन से मोबाइल के रिव्यू के लिए बनाएं। तो चलिए वीडियो तो स्टार्ट हो चुकी है, बेसिकली आपको फीचर्स दिखना स्टार्ट हो चुके होंगे, मैं अभी तक बातें ही कर रहा हूँ। तो डिस्प्ले फीचर्स देख लेते हैं। डिस्प्ले फीचर 4/64 RAM एक्सपेंडल में भी 256 और 6.5 inch की HD प्लस डिस्प्ले, 5 MP 8+5 MP कैमरा, 5000mAh की बैटरी, क्वाड कोर प्रोसेसर। और ये आप देख सकते हैं, ये वीवो के फीचर्स दिख रहे हैं। हाँ, वीवो की फीचर्स दिख रहे हैं। 232 एक्सपेंडल में 256, 6.22 inch की डिस्प्ले, इसमें 13+2 MP का एक कैमरा और फ्रंट में आपको 5 MP कैमरा। यहाँ पर कैमरे ने बाजी मार ली है और यहाँ पे 4230mAh की बैटरी, यानी यहाँ पे बैटरी का एक माइनस पॉइंट हो चुका है। मीडियाटेक हेलियो P35 प्रोसेसर है। आगे देखेंगे आपने रियलमी फ़ोन में कौन सा प्रोसेसर मिला, आप जनरल फीचर्स देख लेते हैं। इसमें हैंडसेट के साथ आपको क्या मिला, हैंडसेट के साथ आपको इसमें कोई भी कवर वगैरह नहीं मिल रहा है और माइक्रो का सपोर्ट मिल रहा है साथ में ही। और इसके हैंडसेट के साथ आपको कोई कवर नहीं मिला है, माइक्रो का सपोर्ट मिला है। अब हम देखते हैं अपना फ़ोन, जो कि है हमारा फ़ोन वीवो A11K। तो चलिए इसके लुक डिज़ाइन वगैरह देख लेते हैं और बाकी सारे फीचर्स भी देखते हैं। बेसिकली मैं आज इसके वीडियो में हाईलाइट फीचर्स ही बताने वाला हूँ। यहाँ पे इसमें फिंगरप्रिंट सेंसर मिल जाता है, जो कि आपको C11 में नहीं मिलेगा। इसके हो चुके हैं 2+1 + 1-. इसके साथ लुक डिज़ाइन और भी चीज़ें देखिए, मेरे डाटा का यूजी P22+ फेस अनलॉक सिस्टम मिलता है आपको इसी के साथ। इसके साथ डिस्प्ले फीचर्स तो मैंने पहले ही से बता दिया आपको, नहीं डिस्प्ले फीचर नहीं मिला। 6.5 inch 720 का रेजोल्यूशन, HD+ डिस्प्ले, HD+ INCell डिस्प्ले मिलता है इसके साथ आपको। 6.22 inch की डिस्प्ले, 15x720, ये वीवो का था, पहले मैंने रियलमी C11 का बताया है। तो दोनों का आप देख सकते हैं टोटल कंपोजिशन। ये है आपका रियलमी C11 का, एंड्रॉयड वर्जन 11 मिला, ऑक्टो कोर प्रोसेसर मिल रहा है, 1.6 Hz का रिफ्रेश, प्राइमरी लॉक स्पीड मिल रही है। अब ये देख सकते हैं आप लोग वीवो के है, इसमें एंड्रॉइड वर्जन 9 मिला है, मीडियाटेक हेलियो P20, इसमें दो इधर पे ये माइनस पॉइंट हो चुके हैं और इसके प्लस पॉइंट भी चल रहे हैं, उसके 3 माइनस पॉइंट चल रहे हैं रियलमी के। 5000mAh की ये हो चुका है इसका चौथा माइनस पॉइंट और उसके 3, मतलब अभी बाजी बराबर चली है। वेट वगैरह देख सकते हैं 190 ग्राम का और इसका वेट है 165, क्योंकि बैटरी थोड़ी कम है, बैटरी में ज़्यादा डिफरेंस नहीं है बेसिकली। अब देखते हैं लोगों की प्राइस वगैरह, बेसिकली हमने कंपैरिजन तो कर लिया दोनों का कि दोनों में से कौन सा बेस्ट है। तो ये ओप्पो A11K की 232 वेरियंट की प्राइस 7,500 रुपये, और जो आपका जैसे शुरू में ही दिख गया होगा, अभी मैंने इसमें शायद से पता है नहीं है, तो जो आपका रियलमी C11 है इसकी प्राइसिंग जानकर आप काफ़ी ज़्यादा शौक होने वाले हो, क्योंकि 232 वेरियंट की प्राइस और जो आपका 4/64 वेरियंट है, दोनों की प्राइस में काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस होने वाला है। बेसिकली दोनों मोबाइल काफ़ी सही है, इसमें बस एक चीज़ का डिफरेंस है, आपको जो हमारा फ़ोन मिल रहा है वो Realme 7 31, इसमें आपको 2 Android अपडेट, मतलब आपको 2 वर्जन आगे का मिल रहा है, एंड्रॉयड वर्जन में 11 मिल रहा है, उसमें आपको 9 मिल रहा है। और इसके 232 वेरियंट की प्राइस है 232 वेरियंट की प्राइस है आपकी, इसकी सही बताऊँ तो हाँ
इसके दो 32 वेरिएंट की प्राइस है 7,500, दोनों की वेरिएंट की प्राइस 32 सेम है, और 4,64 की प्राइस है 9,000 रुपये। तो आपने दोनों की प्राइस वगैरह देख ली होंगी। आप बात करते हैं दोनों में से बेस्ट कौन सा है। रियलमी C11 में आपको फिंगरप्रिंट सेंसर नहीं मिलता है, और जो आपका ओप्पो का फ़ोन है उसमें आपको फिंगरप्रिंट मिल रहा है। और जो ओप्पो का फ़ोन है उसको मैंने पर्सनली खुद ही यूज़ करके देखा है, इसलिए मुझे इसके बारे में सारी चीज़ें सॉली पता है, और जितनी भी डिटेल्स है सब कुछ पता है, परफॉर्मेंस वगैरह पता है, कैमरा वगैरह भी। तो जो आपका ओप्पो का फ़ोन है उसका कैमरा काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, कैमरा क्लियरिटी काफ़ी अच्छी है, साउंड क्वालिटी अच्छी है, बैटरी परफॉर्मेंस भी अच्छी है, और बाकी सारी चीज़ें भी अच्छी हैं इसकी। और इसमें जो आपकी फिंगरप्रिंट वर्किंग है, बाकी सारी चीज़ें वो सभी ठीक ही हैं, और बाकी सारी चीज़ें इतनी बेकार नहीं है। और जो आप